Assalamualaikum students, आज मैं आपके सामने इंटरनेशनल लॉ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिकग्निशन, उसके हवाले से लेक्चर लेकर आई हूँ। और ये टॉपिक जो है हमारे LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स, सॉरी LLB पार्ट 4 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 5 ईयर्स प्रोग्राम में, जबकि 3 ईयर्स कोर्स में LLB पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो है इसको पढ़ते थे। तो हमारे जो पार्ट 3 ईयर्स प्रोग्राम के हैं या 5 ईयर्स प्रोग्राम के हैं, उन सब के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। इसके अलावा वो लोग जो MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से किसी भी सब्जेक्ट में वो कोई मतलब उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अब मैं आपको इसके बता दूं कि ये जो टॉपिक है रिकग्निशन का, इट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर काइंड्स और फोर कैटेगरीज इसकी की जा सकती हैं। रिकग्निशन ऑफ स्टेट, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी एंड रिकग्निशन ऑफ बेलिग्रेंसी। लेकिन आप इसको रिकग्निशन जो है ना, बेलिग्रेंसी और इंसर्जेंसी, आप इसको एक कैटेगरी भी आप समझ सकते हैं। ये कोई इतना नहीं है कि इसको अलग-अलग से किया जाए। LLB के सिलेबस के हवाले से हम रिकग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी एंड बेलिग्रेंसी एक ही कैटेगरी में भी रख सकते हैं। बहरहाल आज हम देखेंगे कि रिकग्निशन ऑफ स्टेट से क्या मुराद है, इसकी थ्योरीज क्या हैं, और रिकग्निशन जो है इसके किन किन तरीकों से दी जाती है, इसकी फॉर्म्स क्या हैं। सबसे पहले जब हम इसकी इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि स्टेट उस वक्त स्टेट बनती है व्हेन इट गेट्स सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। और स्टेटहुड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मोंटेविडियो कन्वेंशन 1939 के मुताबिक वो परमानेंट पॉपुलेशन है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, फिर देयर मस्ट बी गवर्नमेंट एंड देयर मस्ट बी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स। If these four categories are there or these four attributes are there, an entity may be considered as a state. But when a new state is established or when a new state is there on the globe of the world, the question arises whether it should be recognized by the other states or by already existing states or not. Or har state jo hai aisi stage ke upar अपनी जो है अपनी पॉलिसीज, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज और अपनी अपने पॉलिटिकल जो उसके जो भी उसके एम्स होते हैं या पॉलिटिकल उसके इंटरेस्ट होते हैं, उनको सामने रखते हुए ये फैसला करती है कि किसी न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना है। यानी एक्नॉलेज, ये जो हम अगर हम रिकग्निशन को बहुत मुख्तसर डिफाइन करना चाहें, तो रिकग्निशन मीन्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड in a newly established state by the already existing states. yani recognition se kya murad hai ki aap is baat ko acknowledge kare, is baat ko tasleem kare ki ek nayi state jo duniya ke nakshe par ubhri hai, uske andar statehood ke sari attributes, sari uski khususiyat jo hain wo pai jati hain. aur Oppenheim ka bhi yahi kehna hai ki when some state, when already existing states give recognition or grant recognition to a newly established state, it is considered that she has admitted that the said state has its international personality. उसके अंदर वो सारे जो है attributes अब आ गए हैं, so हम उसको एक international personality के तौर पर हम उसको एक status जो है उसका हम दे सकते हैं। अब ये जो चीज है कि एक state स्ट्रगल करके ये जैसे भी दुनिया के नक्शे पर आई, दूसरी स्टेट से उसको रिकग्निशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों उसको जो है हम कहें कि आप बाकी जी, वो तो बननी थी बन गई, एक ग्राउंड रियलिटी है, वो एक फैक्ट है, वो एग्जिस्ट करती है, फिर हम क्यों उसको इस बात की एक्नॉलेजमेंट उसको दें कि आप दुनिया में आ गए हैं, सो हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, तो रिकग्निशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको मैं एक हमेशा एक बड़ी आम सी मिसाल देकर स्टूडेंट्स के सामने रखती हूँ कि देखें, जब व्हेनेवर अ न्यू चाइल्ड इज देयर इन योर क्लोज रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स, आप जाते हैं, आप फैमिली को विश करते हैं। अगर आप विश नहीं भी करते तो बच्चे की सेहत पर या फैमिली की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है, आप ना भी विश करें, जिसने आना है वो आ चुका है। आपके विश करने या ना करने से, आपकी मुबारकबाद देने या ना देने से उसको कोई जो सीन जो है वो बदल तो नहीं जाना। लेकिन जब आप विश करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है कि आज आपने उनकी सेलिब्रेशंस में आप शामिल हुए, आज आपने उनको विश किया, आज आपने उनको मुबारकबाद दी, कल को जब आपके साथ कोई ऐसा ही कोई अच्छा, कोई पॉजिटिव, कोई हेल्दी या कोई ऐसा ही खुशी का कोई इवेंट आपके यहाँ होगा, तो वो फैमिली आपको विश करेगी। और इस तरीके से जब आप सोसाइटी के अंदर आपने सरवाइव करना है, मूव करना है, तो यू विल है
हैव मोर एंड मोर फ्रेंड्स अराउंड योरसेल्फ, आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा बढ़ेगा, ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा होगा जिनके साथ आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और जिनसे आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो रिकग्निशन की मिसाल भी ऐसे ही है, जब एक नई स्टेट दुनिया के नक्शे पर आती है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप ना भी उसको रिकग्नाइज करें कि उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको रिकग्नाइज करते हैं तो उससे आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप आप उसके साथ डेवलप कर सकते हैं, आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप उसके साथ ट्रीटी साइन कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपकी उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है और वर्ल्ड कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए it's very much necessary, it's very much essential to have good and courteous relationship with other states. आपके जो साथ हैं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी के मेंबर्स, अगर आप उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आपका सर्वाइवल आसान हो जाएगा, आपके बहुत से मसले जो है वो हल हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए जब रिकग्निशन किसी स्टेट को ग्रांट करनी है या नहीं करनी, ये एक ऐसा इशू है कि हर स्टेट इस हवाले से जब कोई फैसला करती है तो वो बहुत सी चीजों को सामने रखती है, और वो चीजें क्या है कि वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखती है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सामने रखती है, वो अपनी, ये उसकी डिस्क्रेशन होती है किसी को रिकग्निशन दे या किसी को रिकग्निशन ना दे, और इस डिस्क्रेशन का इस्तेमाल वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करती है। अब ये बात जहन में रखें, एक आपकी बेस बन गई। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब हम इस टॉपिक को जो है समझने की पोजीशन में आ गए, आपके जहन में आ गया रिकग्निशन क्या है, नई स्टेट बनी है, आपने एक्नॉलेज करना है कि शी हैज अटेंड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। अच्छा, अब इसको, इसके लिए अभी मैंने एक बात कही कि रिकग्निशन ग्रांट करना या ना करना इट्स डिस्क्रिशनरी, एक स्टेट का डिस्क्रिशनरी एक्ट है। अब इसको डिस्क्रिशनरी क्यों कहा गया, कि स्टेट ने अपने अपने मुफादात को सामने रखना है। इंटरनेशनल लॉ ने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई रूल या किसी किस्म की कोई कहें कि कोई पाबंदी स्टेट्स के ऊपर इम्पोज नहीं की है कि वो जरूर किसी स्टेट को रिकग्नाइज करें, क्योंकि हर स्टेट ने अपने मुफादात को सामने रखना है। अगर इंटरनेशनल लॉ इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई रूल या किसी किस्म की कोई पाबंदी लगा देता तो इट बिकम्स क्वाइट हार्ड फॉर द स्टेट्स, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट्स कि वो उनको रिकग्निशन दे और इसको जो है लाजमन वो इस काम को करें, तो ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था। इसलिए इंटरनेशनल लॉ ने इस हवाले से कोई रूल्स नहीं बनाए, कोई लॉ नहीं बनाया, और स्टेट्स की अपनी डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया कि आपको जैसा सही लगता है आप करें और जैसा आप नहीं चाहते आप ना करें, नहीं रिकग्निशन देनी ना दे। 1949 में इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने जब उसका फर्स्ट सेशन हुआ है तो उसके अंदर 14 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हमने कोडिफिकेशन करनी है। इंटरनेशनल लॉ के 14 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई गई और ये कहा गया कि इस हवाले से हमने इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को कोडिफाई करना है। रिकग्निशन का जो टॉपिक था दैट वॉज इंसर्टेड इन दैट लिस्ट, बट आफ्टर सम टाइम दैट वॉज रिमूव फ्रॉम दैट लिस्ट, क्योंकि ये देखा गया कि एक डिस्क्रिशनरी एक्ट के हवाले से अगर इंटरनेशनल लॉ में रूल्स बना दिए जाते हैं तो फिर कल को स्टेट्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, सो स्टेट्स की डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया। अब हम इंटरनेशनल लॉ के जब हम रिकग्निशन के हवाले से जब भी हम स्टडी करते हैं या इसके एस्पेक्ट्स को हमने देखना होता है तो हमारे सामने स्टेट्स प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको सामने रख के फैसला करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, या उसके हवाले से हम डिटरमिन करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस बारे में रिकग्निशन के हवाले से क्या कहता है और उसके लिए जो है वो जो भी पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, स्टेट प्रैक्टिसेस और जुडिशियल डिसीजंस जो हैं दे आर कैप्ट इन व्यू। अब आ जाए इसकी थियोरीज की तरफ। रिकग्निशन के हवाले से दो थियोरीज हैं जो जिनको आपने अपने आंसर के अंदर आपने नरेट भी करना है। एक कॉन्स्टिट्यूटिव थियोरी है एंड द सेकेंड वन इज डिक्लेरेटरी थियोरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, देखिए जब भी मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने की एक टेक्निक होती है, उसकी भी कुछ टिप्स होती हैं, आज एक टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। व्हेनेवर यू स्टडी सम थ्योरी तो उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आप उनकी जो हेडिंग्स हैं, जो थ्योरीज का जो भी उनका उनके जो टाइटल्स हैं
आप उनके ऊपर जरूर फोकस किया करें। अगर आप हेडिंग के ऊपर या टाइटल के ऊपर आप फोकस करती हैं, उसके मीनिंग को आप समझ लेती हैं, बिलीव मी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरी थ्योरी को समझना। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, आप बेशक रट्टा लगाते जाए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या होती है, इसके एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। जस्ट फोकस ऑन द टाइटल एक्स कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू मेक समथिंग, यानी ये थ्योरी इस थ्योरी का के मानने वालों का ये कहना है कि रिकॉग्निशन इज द ओनली एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट। अब सिंपल, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूट के मीनिंग पे आपने गौर किया, तश्कील कर देना, करना या बनाना। उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम कह सकते हैं तश्कीली नजरिया। ये एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो रिकॉग्निशन है, दैट इज द ओनली थिंग टू मेक दिस, मेक एन एंटिटी, टू गिव एन एंटिटी द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। आप स्टेट का स्टेटस उस वक्त ले सकते हैं जब आप आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के जो इसके जो थ्योरिस्ट हैं उनमें एंजेलोटी और हॉलैंड है, उन्होंने इस थ्योरी को प्रमोट किया। और इनके मुताबिक अंटिल एंड अनलेस अ स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, दैट कैन नॉट ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड। अब ये जो चीज जो है, ये यहां से अब हम आगाज करते हैं। इन्होंने कहा स्टेट स्टेट बनी नहीं सकती जब तक के उसको दूसरी स्टेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको रिकॉग्निशन नहीं देती। अब इनके नजदीक रिकॉग्निशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द स्टेटहुड ऑफ अ स्टेट। आप उसकी, आप जब तक उसको, आप बेशक चारों एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ भी जाए स्टेटहुड के, लेकिन अंटिल एंड अनलेस यू आर रिकॉग्नाइज्ड, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज अ स्टेट। आप नहीं स्टेट आप बन सकते। अब इस थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये आप देखिए एक चीज जो है that is there in existence. वो अपनी एक ग्राउंड रियलिटी है कि वो दुनिया में आ चुकी है। आप उसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो भी आप इतने बड़े फैक्टर को, एक ग्राउंड रियलिटी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। रिकॉग्निशन जो है वो जिस वक्त आप सिर्फ एक चीज को अपने ज़हन में एक सीन बनाएं, एक स्टेट दुनिया के नक्शे पर आई, कुछ स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया, कुछ स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, क्योंकि सारी स्टेट्स एक ही दम, एक साइमल्टेनियसली सारी स्टेट्स एक स्टेट को एक ही वक्त में रिकॉग्नाइज उसको नहीं करती हैं। अब एक स्टेट जो है, कुछ स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ, कुछ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। अब इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को सफिशिएंट समझें, अगर हम उसको एक्यूरेट समझें, तो इसका मतलब है कि फॉर सम स्टेट्स दैट स्टेट एग्जिस्ट, व्हाइल फॉर सम स्टेट्स दैट इज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। बांग्लादेश बना 71 में, पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज किया, दो साल बाद 74 में हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इंडिया ने उसको पहले रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को हम उसको अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के लिए वो कायम हो चुका था, पाकिस्तान के लिए कायम नहीं हुआ था। इसी तरीके से चाइना को, कम्युनिस्ट चाइना को यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया 79 में, बहुत सी स्टेट्स उसको पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुकी थी, तो उनके लिए वो एग्जिस्ट करता था कम्युनिस्ट चाइना, और अमेरिका के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक बात और इसके ऊपर जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि रिकॉग्निशन जब होती है तो ये क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्निशन ओनली अराइजेस व्हेन सम स्टेट हैज अटेन्ड द फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। इससे पहले तो रिकॉग्निशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको रिकॉग्निशन जब उस सवाल उठा कि किसी चीज को, किसी एंटिटी को एज ए स्टेट आपने रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी, तभी तो एक कॉग्निशन थी, तभी तो इसका सवाल जो है वो उठा। और अगर ना होता तो आप कभी भी उसको ये बात कभी अराइज ही ना होती। फिर एक चीज और इसके ऊपर जो एक और क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये कि रिकॉग्निशन हैज ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है फ्रॉम द बैक डेट्स। आप आज किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो पिछली तारीखों से होगा। हमने 74 में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया लेकिन बांग्लादेश 71 में कायम हो चुका था। जिस वक्त हम 74 में उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे तो उस वक्त ये प्रिज्यूम किया जा रहा था, इंटरनेशनल लॉ उस वक्त ये मान रहा था कि बांग्लादेश को हम 71 से ही हम रिकॉग्नाइज किए हुए, हमने उसको उसके वजूद को 16 दिसंबर 1971 से ही हमने उसको मान लिया था।
तो जब एक और ये जो एक फार्मूला है, ये जो एक इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये हर किस्म की रिकग्निशन के अंदर यही ये चलता है। और अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ही एक्यूरेट है, तो इसका मतलब है कि फिर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहाँ गई? हमने उसको 74 में हम उसको रिकग्नाइज करके हम उसको बैक डेट से उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो हमारे नजदीक तो हम जब हमने रिकग्नाइज नहीं भी किया हुआ था, हमने जब उसको रिकग्नाइज नहीं भी किया हुआ था, तो वो स्टेट, इसका मतलब है कि हम उसके वजूद को मान रहे थे और वो इन एग्जिस्टेंस थी। तो हमने उसको रिकग्नाइज बाद में भी किया, तब भी हम उसके वजूद को तो पहले से ही हम तस्लीम किए हुए थे। तो इस तरीके से इस थेरी के ऊपर जो है ये इस किस्म के ऑब्जेक्शन, इस किस्म के क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आता है, जिसकी वजह से इस थेरी के ऊपर, इस थेरी को हम एक्यूरेट थेरी तो नहीं कह सकते। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी थेरी है, दैट इज डेक्लेरेटरी थेरी। अब इसके भी देखो, जब आपने थ्योरी को पढ़ना है तो पहले थ्योरी का टाइटल उसके ऊपर फोकस करें, यकीन माने पूरी थ्योरी आपके जहन में आ जाएगी। डिक्लेरेटरी, डिक्लेरेशन से ऐलान करना, यानी इस थ्योरी के मानने वालों के मुताबिक अ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज इट अटेन्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड एंड सो फॉर रिकग्निशन इज कंसर्न दैट इज नथिंग बट अ मेयर डिक्लेरेशन। वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, आप उसको डिक्लेयर करें, आप उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, स्टेट एग्जिस्टेंस में आ चुकी होती है जैसे ही वो अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टेटहुड के वो अटेन कर लेती है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकॉग्निशन इज अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड, अदरवाइज स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आइदर यू रिकॉग्नाइज और यू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट और नॉट, आप दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड एंड सपोर्टेड बाय ब्रायलिट, बाय फिशर एंड बाय हॉल। उन्होंने जो ये तीनों जो जूर्स हैं, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया। लेकिन इस थेरी के अंदर जो है फिर आखिर में, ये थेरी इस हद तक तो ठीक है कि आप अगर रिकग्नाइज करते हैं, आप अगर उसको जो है वो रिकग्नाइज नहीं भी करते हैं तब भी स्टेट अपनी एग्जिस्टेंस अपनी रखती है, यहां तक तो बात ठीक है कि इन्होंने रिकग्निशन को जो है वो बिल्कुल उन्होंने इसको कहा कि जरूरी नहीं है। यानी इस हद तक हमें दोनों थेरीज जो है, कॉन्स्टिट्यूटिव और डिक्लेरेटरी थ्योरी, दोनों हमें एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है, एक्सट्रीम एजेस पे नजर आती है। वो कहती है रिकग्निशन बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो स्टेट एग्जिस्टेंस में रख ही नहीं सकती, और ये कहते हैं कि रिकग्निशन जरूरी ही नहीं है और इसके लिए जो है वो रिकग्निशन तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, आप ना भी अगर आप उसको करें रिकग्नाइज तो भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है तो है। लेकिन आगे चल के ये थ्योरी कहती है कि इन ऑर्डर टू एंटर इनटू फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट यू नीड टू रिकग्नाइज दैट। अगर आप, यानी रिकग्निशन जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उस जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पस आप उसको रिकग्नाइज, आप उसको कर दें रिकग्निशन, आप उसको दे दें। अब जब हम इस चीज के ऊपर आते हैं तो फिर यहाँ पर हमें लगता है कि दिस इज गोइंग टू क्लोजर टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। इसका फिर इसके साथ जो है वो हमें स्पेस बड़ा कम नजर आता है, फिर हमें बिल्कुल वही बात कहते हुए नजर आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वालों ने कही। यहाँ पर आके जो है इस पॉइंट पर फिर हमें इनके अंदर सिमिलैरिटी नजर आती है लाइक दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरीज। अब इसको जो है कंक्लूड अगर हम करें तो इसको कैल्सन ने जो है इसको कंक्लूड किया, कैल्सन ने इसका बड़ा एक अच्छा हल दिया। कैल्सन कहता है कि आप इस बात का झगड़ा ही खत्म करें कि रिकग्निशन जो है वो जरूरी है या रिकग्निशन जरूरी नहीं है, आप इन चक्रों में ना पड़े। आप उसके जो स्टेट का स्टेटहुड है अगर आप उसको एनालाइज करें तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, इसको हम रख सकते हैं। एक तो स्टेट का स्टेटहुड होता है नेचुरल स्टेटहुड, जिसमें परमानेंट पॉपुलेशन चाहिए, जिसमें डिफाइंड टेरिटरी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट चाहिए, जिसमें कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स चाहिए, तो वो तो है उसका नेचुरल स्टेटहुड। अगर नेचुरल स्टेटहुड की हद तक हम समझें तो रिकग्निशन इज नथिंग बट अ मेयर डिक्लेरेशन, फिर तो वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। आप रिकग्नाइज ना भी करें तब भी जब उसके अंदर ये ग्राउंड रियलिटी के तौर पर ये सारे फैक्ट्स मौजूद हैं तो स्टेट एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब बात आती है उसके एक, एक उसके सॉरी उसका जो रिकग्निशन का जो स्टेट रिकग्निशन का एक दूसरा एस्पेक्ट है, जो उसके स्टेटहुड की जो का जो दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज ज्यूरिडिकल स्टेटहुड। एक स्टेट का नेचुरल स्टेटहुड है और दूसरा जो है उसका स्टेटहुड वो ज्यूरिडिकल है, और ज्यूरिडिकल जो स्टेटहुड है उसके अंदर आ जाता है उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उसके साथ ट्रेड करना, उसके साथ
जो है एंटिटी सॉरी उसके साथ मतलब किस्म की ट्रीटी साइन करना एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फॉर दिस दिस काइंड ऑफ स्टेटहुड इज कंसर्न रिकग्निशन इज कॉन्स्टिट्यूटिव. यहाँ पर जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करते आप उसके साथ जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. यानी टू द एक्सटेंट ऑफ नेचुरल स्टेटहुड रिकग्निशन इज अ मेयर डिक्लेरेशन. टू द एक्सटेंट ऑफ juridical statehood recognition is constitutive. तो यहाँ पर जो है recognition बहुत जरूरी है. तो इस तरीके से हम इस बहस को यूं कंक्लूड करते हैं कि relationship establish करनी है तो फिर आपको लाजमन उसको recognize करना पड़ेगा. और अगर आपने उसके साथ उसको जहां तक उसके natural state उसकी उसके statehood के attributes उसने ले लिए तो फिर आप उसको रिकग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद है. बहरहाल वो मौजूद है और आप उसके उसको डिनाई नहीं कर सकते. वो है तो वो है. अच्छा अब इसकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसके जो है फॉर्म्स इसकी क्या है रिकग्निशन की. रिकग्निशन मे बी ग्रांटेड आइदर इन द एक्सप्रेस वे और इन द इम्प्लाइड वे. जब हम एक्सप्रेस रिकग्निशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेस रिकग्निशन में आ जाता है कि जब एक स्टेट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट को वाज़े तौर पर एक नोटिफिकेशन इशू करती है या एक डिक्लेरेशन इशू करती है अनाउंसमेंट करती है कि हम उस स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने रिकग्निशन दे दी और एक्सप्रेस रिकग्निशन दे दी. अब एक्सप्रेस जैसे पाकिस्तान बना तो चाइना ने सऊदीया ने ईरान ने हमें एक्सप्रेस रिकग्निशन दी. उन्होंने खुल के कहा कि हम आपको रिकग्नाइज करते हैं, नई स्टेट बनी है पाकिस्तान के नाम से हम आपको रिकग्नाइज करते हैं. जो इम्प्लाइड रिकग्निशन है उसमें जो है उसमें उसके उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं. उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक तो होते हैं यूनिलैटरल एक्ट और एक होते हैं कलेक्टिव एक्ट. यानी इम्प्लाइड रिकग्निशन में आप किसी स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं लेकिन इम्प्लाइडली करते हैं. वाजे तौर पर नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन तो आप नहीं इशू करते लेकिन आप इम्प्लाइडली कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो ये सिग्निफाई करते हैं या जो ये इशारा देते हैं दैट यू हैव recognize the newly established state. आप उसको आपकी indication होती है कि आप ये काम किसी state के साथ तभी करते जब आपने उसे recognize कर लिया होता. तो आप अगर उसको उसके साथ ये काम कर रही है तो इसका मतलब है कि आपने उसको as a state recognize कर लिया है. अब उसमें जब unilateral acts हैं, unilateral act से क्या मुराद है कि आप किसी newly established state के जो उनका जो है diplomatic agent आ रहा है आप उसको receive कर रहे हैं या आप उनके साथ diplomatic रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं आप अपना डिप्लोमेटिक एजेंट उनकी तरफ भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वहां बैसी खोल रहे हैं. तो इसका मतलब है कि आपने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया. नहीं भी आपने वाज़े तौर पर कोई अनाउंसमेंट की लेकिन आपका ये एक्ट इंडिकेट कर रहा है कि आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया. सिमिलरली अगर आप किसी न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट के साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं आप ट्रीटी साइन कर रही हैं और ऐसे उसको उसको आप दावत दे रही हैं कि आप हमारे साथ इस तरीके से ट्रेड करें ऐसे करें तो ये सारी चीजें इंडिकेशन है इस चीज की कि आपने उस स्टेट को रिकग्निशन दे दी है. अच्छा अब यूनिलैटरल एक्ट्स के बाद जो दूसरी तरह की रिकग्निशन है दैट इज कलेक्टिव रिकग्निशन. कलेक्टिव रिकग्निशन में ये होता है कि समटाइम एक स्टेट जो है वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट है वो अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर वो बनती है या वो वहां पर वो शिरकत करती है किसी सेशन को अटेंड करती है तो बाज़ुकात इसका ये मतलब लिया जाता है दैट शी हैज बीन गिवन शी हैज बीन ग्रांटेड रिकग्निशन बाय द स्टेट्स सिटिंग देयर. जैसे अगर फर्ज करें किसी जगह पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहां पर न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट को भी इनवाइट किया जाता है और वो वहां पर आती है तो सम टाइम ये इसका ये मतलब लिया जाता है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ने उसको अपने साथ बैठने की परमिशन दी है और उसके साथ उसको अपने साथ शामिल किया है तो इट मींस दैट दे हैव कलेक्टिवली रिकग्नाइज्ड दैट स्टेट. लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि बाज़ स्टेट्स की पॉलिसी इस मामले में बहुत क्लियर होती है. वो अगर किसी स्टेट को अगर वो ऐसी इजाजत देती हैं कि वो किसी ऐसे सेशन को अटेंड करे तो उसके साथ ही वो इस चीज को क्लियर भी कर देती हैं दैट इट शुड नॉट बी टेकन इन द सेंस दैट वी हैव ग्रांटेड रिकग्निशन टू दैट वेरी स्टेट. जैसे यूके और यूएसए इस मामले में हमेशा से क्लियर रही है. Whenever they attend some session or some conference or some meeting international treaty के लिए या कोई भी वो इस किस्म की जो है वो organization या किसी भी ऐसे platform पर बैठते हैं जहाँ पर एक newly established state भी मौजूद होती है तो वो शिरकत से पहले ही सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इस बात को बकायदा क्लियर कर देते हैं कि हम इसमें शिरकत तो कर रहे हैं अलॉन्ग विद द न्यूली
established state, but it must not be taken in the sense that we have granted recognition to this state. हमने उसको recognition नहीं दी हुई. इसी तरह से एक वक्त में ये सवाल भी पैदा हुआ था कि when some newly established state, which has not been recognized but by many other states, if that state gets the membership of UNO, whether it should be taken in the sense that all the members of UNO have granted recognition to that state. तो उसके लिए जो है UNO में एक जो है वाज़े इस एक पॉलिसी इसके लिए बनाई गई. बल्कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 8th मार्च 1950 को एक मेमोरेंडम UNO ने इशू किया, एक रिलीज किया मेमोरेंडम, और उस मेमोरेंडम के अंदर इस बात को बहुत क्लियर कर दिया गया कि अगर एक स्टेट, नई स्टेट UNO की मेंबरशिप लेती है, अगर वो UNO की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, तो UNO डेफिनेटली उसको रिकॉग्निशन, उसको सॉरी मेंबरशिप देगा. और अगर वो मेंबरशिप लेती है और फिर वो इजलास में शिरकत करती है, तो इसका ये मतलब हरगिज ना समझा जाए कि उसको उन स्टेट्स ने भी रिकॉग्निशन दे दी है जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ. अब इसके लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसको बास ज्यूरिस्ट जो है उसको वो भी इसमें से भी वो कानून है ना, तो इसमें से भी पॉइंट निकलता है. जैसे बास ज्यूरिस्ट का ये कहना है कि बेशक आपने उस न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट को आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप उसके साथ एक सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उस वक्त ये आप बेशक एक लिमिटेड पर्पस के लिए सही, एक यानी फॉर द पर्पस ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपने जब उसके लिए सिर्फ इस मकसद के लिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को आपने हासिल करना, उसके लिए आप राजी हो गए उस स्टेट के साथ काम करने के लिए या उस स्टेट के साथ बैठने के लिए, उसके साथ एक सेटिंग करने के लिए, तो इसका मतलब है कि लिमिटेड पर्पसेस के लिए ही सही आपने उसको रिकॉग्निशन तो दे दी. यानी आपकी जानिब से ये रिकॉग्निशन ही होगी, भले ये सिर्फ लिमिटेड पर्पसेस के लिए है. और कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन को एक कुजाई रिकॉग्निशन के का टाइटल देते हैं. वो कहते हैं ठीक है ये रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन ये कुजाई रिकॉग्निशन तो जरूर है कि किसी हद तक ये रिकॉग्निशन है. इसको नीम रिकॉग्निशन हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मखसूस मकासिद के लिए सही आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया. तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में डेफिनेशन देखी, हमने इसका जो है इसकी थ्योरीज देखी, इसकी फॉर्म्स देखी. नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग जो इसके एस्पेक्ट्स हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट के, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. तो उसमें इंशाल्लाह ताला मैं बाकी के एस्पेक्ट्स भी क्लियर करूंगी. और वो लोग जिनको इंटरनेशनल लॉ को समझने में प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्निशन का टॉपिक जो हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर शामिल होता है, कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है, आप पिछले 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के पेपर उठा के देख लें, रिकॉग्निशन का क्वेश्चन दैट विल बी देयर. तो आप इसको इसमें क्लैरिटी लें, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है आपके जहन में, इतना समझने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो डू डिस्कस द सेम विद मी इन द कमेंट्स. आप मुझे बताइए और मैं आपके प्रॉब्लम्स को जो है इंशाल्लाह ताला मैं उनको हल करूंगी. और बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, अगर कोई मजीद गाइडेंस आपको चाहिए हो तो भी बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.